श्रीमद् भगवद गीता इस पवित्र ग्रंथ को मैंने तब तक नहीं पढ़ी थी जब तक मुझे ज्ञात नहीं हुआ कि हम सभी मनुष्य तो मात्र आत्माएं हैं और अपने भीतर से अपने सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने के लिए ये जिंदगी हम जैसे आत्माओं के लिए इम्तहान है और इस इम्तहान को पास करने की सबसे महत्वपूर्ण किताब अगर कोई है तो वो है भगवद गीता। और इस ग्रंथ में 18 अध्याय हैं और ये संस्कृत में परमात्मा द्वारा दी गई थी। समय के साथ संस्कृत मनुष्य के अहम हिस्से से दूर हो गया और जिससे ये ज्ञान भी मनुष्य से दूर होती चली गई। लेकिन समय समय पर भगवद गीता का साधारण अक्षरों में अनुवाद किया गया ताकि भगवद गीता का अनमोल ज्ञान जो हर किसी पीढ़ी के हर व्यक्ति को जानना जरूरी है ताकि व्यक्ति कभी भी अपने लाइफ में निराश ना हो और उचित निर्णय लेने के काबिल हो सके। और इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए आगे आने वाले 10 मिनटों में भगवद गीता के कुछ अहम हिस्सों को अपने गुरु के आशीर्वाद से एक आसान रूप में इस चैनल पे मैं आप सभी भाई बहनों के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। और ये ज्ञान आज से कुछ 5000 साल पहले परमात्मा ने भगवान कृष्ण द्वारा सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया गया था। ये वो वक्त था जब धर्म की बार बार उल्लंघन हुआ और परमात्मा का डर मनुष्य में ना रहा। लालच के लिए भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और यही नहीं ब्याहता औरत को भरी सभा में अपने ही बड़ों के सामने अपमानित किया गया। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युद्ध से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में प्रवेश करती महाभारत की युद्ध से पहले युद्ध की रणभूमि में परमात्मा भगवान ने श्री कृष्ण भगवान के द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दी। ठीक वैसे ही जैसे कभी तुरा मोजेस को, गॉस्पेल जीसस को और कुरान प्रॉफेट मोहम्मद को दी। गीता, बाइबल, कुरान, तुरा, गुरु ग्रंथ साहिब परमात्मा द्वारा दी गई किताबें हैं। ये सभी किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए हैं, पूरी इंसानियत के लिए हैं और सभी आत्माओं के लिए हैं, क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में है और सबसे अहम ये उन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा, रक्षा करनी होगी। और इन्हीं कायदों के बुनियाद पे एक आत्मा को शरीर त्यागने के बाद उस आत्मा को परखा जाएगा और इस परीक्षा में पास होने पे हमेशा के लिए मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। परमात्मा भगवद गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूं, मैं शुरुआत से भी पहले ही था और सभी खत्म हो जाने के बाद भी मैं ही रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूं। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो या सुन सकते हो, वो सभी में मैं ही हूं। नदियां, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चांद, सितारे, सभी को मैंने ही बनाया है। मैं ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान, सब मैंने ही बनाया हूं। मैं सर्वव्यापी हूं, सब में रहता हूं, सब में मैं हूं, मैं हूं, मैं ही हूं। मैं ही ब्रह्मा बन के सब बनाता हूं और रुद्रा बन के सब नष्ट कर देता हूं। मैं ये सृष्टि बनाता और तोड़ता रहूंगा ताकि आत्माओं को मौके मिल सके इस जन्म और मोक्ष पाने को, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। भगवद गीता कहती है कि सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, जल, अग्नि, पृथ्वी और ईथर से किया, जिन्हें हम छू के, सूंघ के, चख के देख सकते हैं। और खुद परमात्मा
इन पांच इंद्रियों की समझ से बाहर हैं। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा इन पांच इंद्रियों के साथ ठीक वैसे ही है जैसे एक लोहे का रोबोट जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन को भी भगवान कृष्ण का विराट रूप देखने के लिए भगवान ने उसे दिव्य नेत्र दिए। भगवद गीता कहती है कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, डुबो नहीं सकता, जला नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए इस परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। और इस परीक्षा के लिए आत्मा को परमात्मा से बिछुड़ के पृथ्वी पे किसी न किसी रूप में जन्म लेना ही पड़ता है। और 88 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का दिमाग और शरीर मिलता है। इस परीक्षा के दौरान अलग अलग प्रकार के अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन या मित्रों के साथ रहा जाता है, जिसमें हर आत्मा को अपने अंदर राजसिक और तामसिक अवगुणों से निकलकर सात्विक जीवन में आने के अवसर मिलते हैं। आखिर ये तामसिक गुण हैं क्या? ये वो गुण हैं जो अपने अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास कर देते हैं और अंततः नुकसान पहुंचाते हैं। और राजसिक गुण वे हैं जो हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना के दूसरों के प्रति हमें नुकसान पहुंचाते हैं। हर आत्मा को राजसिक और तामसिक गुणों का अंत करके अपने सात्विक गुणों से अवगत होना ही पड़ेगा। और सात्विक गुण वे हैं जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़ती हैं और परस्पर प्यार और प्रेम भावना रखने को सिखाती हैं। परीक्षा के समय हर आत्मा को जीवन के चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाके ही मुक्ति मिल सकती है। यही वो स्तंभ हैं जिन्हें समझ के ही आत्मा अपने परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और इसका प्रतीक शेर है। धर्म वही है जो गीता में लिखा है, वेदों में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब कुरान या बाइबल में लिखा है। धर्म वही है जो धारण किया गया है, जिसे आपका दिल मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना, ये सभी ही धर्म है। और आत्मा को अपने जीवन के काल में इस धर्म का पालन करना ही होगा और साथ ही उसकी रक्षा भी करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा इसका प्रतीक है, जिसके तहत आत्मा को अपने हर जीवन काल में अपने पृथ्वी पर रहने का अर्थ या मूल कारण समझेगी। इस जिंदगी में भोगने वाली चीजें और रिश्तों का आनंद लेंगी। अच्छा भाई या अच्छा बहन, अच्छा बेटा या अच्छी बेटी, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनके हर बुनियादी रिश्तों पे खड़ी उतरेंगी और अंततः इस परीक्षा को पास करेंगी। तीसरा द्वार काम का है। भगवद गीता समझाती है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए हर मनुष्य को इन भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है। और एक आत्मा संतोष और सादगी से, एक आत्मा इन भावनाओं पे हमेशा के लिए विजय पा सकती है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है, जिसका प्रतीक हाथी है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म में पूरी हो जाती हैं, तो कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और उनका पूरा होने के लिए ही आत्मा को वापस पृथ्वी पे आना पड़ता है। भगवद गीता समझाती है कि हमारे पृथ्वी पे वापस आने का हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है, और अगर हम कोई भी इच्छा ना रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ करके और जिनके साथ आपने बुरा किया उनसे माफी मांगने का अवसर मिल जाता है। जब तक आत्मा इन चारों द्वार धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक आत्मा को मनुष्य रूप में आना ही पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सभी वस्तुओं का त्याग कर देती है और जो भी संसार में रह के बनाया
वो अब और किसी का हो जाएगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा का अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए स्वर्ग और बुरे कर्मों के लिए नरक में चली जाती है, जहां नरक में अपने पापों के अनुसार सजाएं मिलती हैं और सजा खत्म हो जाने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर, नया दिमाग मिलता है, फिर उसी परीक्षा में पुनः बैठने के लिए। और हर परीक्षा में वही सब फिर से दोहराया जाएगा। जिंदगी के चार स्तंभ, धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष को समझने के लिए हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे तो कभी बुरे हालातों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को समझ नहीं लेती, वो मुक्ति नहीं पा सकती। वही भगवद गीता बताती है कि मनुष्य अपने दिमाग, शरीर या दिल के माध्यम से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए गए नेक कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को ही कर्म योग कहते हैं। ये वो कर्म होते हैं जो परमात्मा की इच्छा के अनुसार होते हैं और दूसरों के कल्याण के लिए होते हैं। वाल्मीकि जी ने रामायण लिख के, वहीं श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा और उन्हें चारों धाम की यात्रा करवा के, मदर टेरेसा ने अपने प्यार और सेवा के माध्यम से, और मैडम क्यूरी ने महत्वपूर्ण खोज में अपने जीवन का बलिदान करके अपने नेक कर्मों के द्वारा परमात्मा को पाया। भगवद गीता समझाती है कि एक आत्मा दिमाग से भी परमात्मा के साथ ही योग लगा सकती है, जिसे राजा योग कहते हैं, क्योंकि इस तरह से दिमाग और मस्तिष्क सभी इंद्रियों का राजा हो जाता है। एक मनुष्य खुद की आस्था, श्वास प्रणाली, अभ्यास, आसन, तपस्या और साधना से इस योग के रास्ते अपने परमात्मा को पा लेता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपनी ऊर्जा यानी कि कुंडलिनी और चक्रा को समझना होगा। आत्मा मस्तिष्क से ध्यान लगा के या कहे मेडिटेशन करके परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। स्वामी परमहंस, विवेकानंद और शंकराचार्य, उनके जैसे कई योगी इस योग के रास्ते परमात्मा के साथ संधि लगा पाए। परमात्मा भगवद गीता में कहते हैं कि अगर किसी को भगवद गीता ना भी समझ आता हो, योग ना भी समझ आता हो, परंतु अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूँ। परमात्मा को इस तरह से दिल की गहराइयों से पुकार के पाने को ही भक्ति योग कहते हैं। मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु और भगवान हनुमान इस योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन आत्मा कभी अपने होने के मूल कारण को भूल के नियमों का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पे निकल पड़े तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा खुद किसी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। तो आइए भगवद गीता, बाइबल, तुरा, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब ऐसे किसी भी पवित्र ग्रंथ को पूरा पढ़ के इस जिंदगी के असली मायने समझें और परमात्मा के साथ योग लगाएं। और आपको अगर ये पसंद आए और समझ आए तो अवश्य ही इसे औरों को भी बांटिए, ताकि सभी आत्माएं अपने यहाँ होने के पवित्र मूल कारणों को सरलता से समझ सकें और इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाके हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रह सकें। धन्यवाद।